दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम की कप्तानी की कमान दे दी जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हार्दिक पांड्या के आईपीएल में ताबड़तोड़ प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम में चयन किए गए हार्दिक पांड्या, इसके बाद अब हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा चाहती हैं कि इनको भारतीय टीम का कप्तान बना दिया जाए। इसी को लेकर नताशा ने एक बड़ा बयान दिया है। आखिर इन्होंने हार्दिक को कप्तान बनाने पर ऐसा क्या कह डाला जिसे सुनकर विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान हो गए, ये तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल में से शानदार कप्तान कौन है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अभी हाल ही में हुए आईपीएल में हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस की टीम के कप्तान बने थे। इनकी अगुवाई में गुजरात टाइटंस की टीम ने शुरुआत से आखिर तक बेहतरीन प्रदर्शन किया और हार्दिक पांड्या ने अंत में आईपीएल के फाइनल में भी गुजरात की टीम को ताबड़तोड़ जीत दिलाकर आईपीएल का खिताब उनके नाम कर दिया। इस पूरे सीजन में हार्दिक पांड्या ने न केवल अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया बल्कि कप्तानी से भी बखूबी शानदार प्रदर्शन किया। और हार्दिक पांड्या की कप्तानी को देखते हुए तो ऐसा हो सकता है कि बीसीसीआई भविष्य में इनको भारतीय टीम का कप्तान भी बना दे। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 जून से T20 सीरीज खेली जाएगी। उस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम ने केएल राहुल को कप्तान चुना है। ऐसे में भारतीय टीम पहले मुकाबले में उनका प्रदर्शन देखना चाहेगी कि केएल राहुल वहां पर कैसा प्रदर्शन करते हैं और क्या वो भारतीय टीम को कप्तानी करने लायक हैं या नहीं। अगर केएल राहुल वहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो फिर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले T20 सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले श्रृंखला के लिए भारतीय टीम हार्दिक पांड्या पर बड़ा दाव खेलकर इनको कप्तान बना सकती है। इसी बीच नताशा ने इन पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर बीसीसीआई हार्दिक को भारतीय टीम की कप्तानी करने का एक मौका दे तो हार्दिक भारतीय क्रिकेट के सबसे अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। ये MS धोनी और विराट कोहली की कप्तानी के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कैसे इन्होंने आईपीएल में ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया और गुजरात टाइटंस जैसी नई टीम को उनके डेब्यू सीजन में ही आईपीएल का खिताब जिता दिया। ये अपने आप में किसी महारत को हासिल करने से कम नहीं है। लेकिन हार्दिक पांड्या ने ये करके दिखाया है, मुझे लगता है कि अब हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम की कप्तानी दे देनी चाहिए। दोस्तों, ये था हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा का हार्दिक पांड्या को कप्तान बना देने पर बड़ा बयान। वैसे इनका मानना तो ये है कि हार्दिक पांड्या भारतीय टीम को अच्छे से लीड कर सकते हैं और एक सफल कप्तान बन सकते हैं, इसीलिए बीसीसीआई को इनको भारतीय टीम का कप्तान घोषित कर देना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम का कप्तान बना दिया जाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।